खुशामदीद मैडम। हेलो जी बोलिए। माफ़ कीजिएगा इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, अभी फाउंडेशन की तरफ से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आज के अरेंजमेंट की पेमेंट कर दें, इसी वजह से कॉल की मैंने। हाँ तो ठीक है ना, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दो, अकाउंट नंबर तो है ना तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, मगर। मगर क्या? तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक आ रहा है। बैंक का कोई इशू होगा, मैं मालूम करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, जो भी मसला है मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी। माजरा चाहती हूँ तुमसे, सुबह अपनी हदों को क्रॉस किया मैंने। माफ कर दो ना मुझे। क्या हम लोग पहले की तरह हो सकते हैं? तुम इन बातों को छोड़ो कि शाम के लिए क्या तैयार किया है उन्होंने। और हां, मैं जानता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है तुम्हारे कमरे में, शाम को उसे जरूर पहनना। अम्मी अपने कमरे में जाओ फौरन। पीछा क्यों नहीं छोड़ती है ये? अब वीडियो भेजती है। सुरैया कैसी हो तुम? आज हमारी पॉलर में ठीक से बात भी नहीं हो सकी। दरअसल मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज देनी थी। जब मैं एक साल के लिए यहाँ से बाहर चली गई थी तो तुम्हें लगा तुम्हारी मुझसे जान छूट गई थी। तुम्हें पता है मैं वहाँ से क्या लेकर आई? चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। अपना दिल थाम के रखना सुरैया, हार्ट अटैक हो सकता है। ये देखो, ये आलिया कॉर्नल है, मेरी और मतीन की बेटी। बेटा वो देखो सुरैया अम्मी, इन्हें हाय कहो आलिया, ये तुम्हारी बड़ी अम्मी है। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। इतनी जल्दी भी क्या है सोने की, थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया कर, आ जाओ। सुरैया तुम भी ना आओ प्लीज। जरा देखो कितनी प्यारी बच्ची है ना,
अरे बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई। सुरैया। अच्छा ये तो बताओ कि ये बच्ची अपनी माँ से ज्यादा मिलती है या फिर अपने बाप से? अरे बताओ ना, चुप क्यों बैठे हो? मुझे नहीं मालूम कि किससे मिलती है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मुझे पता तक नहीं कि मेरा शौहर किसी के साथ रंग रल्लियां मना रहा है। बहुत जब्त है मेरे अंदर मती, लेकिन अब ये एक बच्ची भी। अच्छा अच्छा बस मैं संभाल लूंगा सब, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब संभाल लोगे? ये पहले सोचना चाहिए था। तुम उन दोनों माँ बेटी को मुल्क से बाहर भेजोगे। क्या? जो कहा है तुम्हें वही करना होगा। उन दोनों को हमारी जिंदगी से निकालना होगा। सुरैया तुम्हें उनको यहाँ से भेजना होगा बस। सुरैया मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो मेरी बेटी है और उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम कर दिया, मगर सोचो तुमने क्या दिया मुझे। अरे तुम ये कैसी बच्चों जैसी बात सुनो। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी तुम्हें याद है, उस वक्त मैंने तुमसे कुछ... बस कर दो, बस बहुत हो गया। रुक जाओ, तुम्हारी बेटी कबूल कर लूंगी। उस बच्ची की मां भी बन जाऊंगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलो। सिर्फ एक दरखास्त है मेरी, उस औरत से किसी किस्म का ताल्लुक कोई राबता नहीं रखोगे, सिर्फ उतने अरसे के लिए जब तक मैं ये कबूल ना कर लूं। ठीक है, ओके। इशल कल तुम रेस्टोरेंट में आ जाना 3 बजे, अब इसको भूल ना जाना।